विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा दो की हिंदी तरंग पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 5 है, शब्द और वाक्य, और ये आपका लेक्चर संख्या 14 है। हमने आपके लास्ट वीडियो में देखा था कि हम शब्द किसे कहते हैं, कौन से शब्द कैसे निर्माण किए जाते हैं, फिर हमने देखा था वाक्य किसे कहते हैं, और फिर कौन से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी पुस्तक में ये कैसे कैसे दिया हुआ है, और थोड़ा देखेंगे कि किताब में आपकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या उदाहरण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि हम शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, यानी जब हम वर्णों को सही क्रम में सजा कर रखते हैं जिससे एक सार्थक शब्द बने, यानी जिसका मतलब हमें समझ में आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं। पहला उदाहरण है य जोड़ गा, यगा। यगा कोई सार्थक शब्द नहीं है, यानी आप इससे मतलब नहीं बता सकते इस शब्द का, तो ये गलत हो गया। इसके बाद है गा जोड़ य, तो ये हो गया आपका क्या, गाय। तो गाय आपको पता है कि एक पशु का नाम है, तो ये क्या हो गया, ये सही शब्द हो गया। फिर है ला जोड़ के, तो ये हो गया लाके, तो ये भी कोई शब्द नहीं है, इसका भी अर्थ हमें पता नहीं है, तो ये गलत शब्द हो गया। फिर इसी को लिखते हैं के जोड़ ला, तो ये हो गया केला, और केला सही शब्द हो गया क्योंकि हमें पता है कि ये एक फल का नाम है। अब आइए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जिस तरह वर्णों को सही जगह पर लिखकर शब्द बनाए जाते हैं, उसी तरह शब्दों को सही जगह लिखकर वाक्य बनाए जाते हैं। अब हमने अभी देखा कि हम शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सही मेल से जो सार्थक शब्द बने, यानी जिनका अर्थ हमें पता चले, उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब उसी प्रकार जब हम उन शब्दों को एक श्रृंखला में सजाते हैं जिसका अर्थ हम जान पाए, जिसका अर्थ हमें अच्छे से समझ में आए, तो हम उसे वाक्य कहते हैं। इसमें हम शब्दों को एक श्रृंखला में सजाते हैं। तो आइए पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। माँ रही बना है खाना, तो इसमें क्या है, यहाँ आपको वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा सही ढंग से, लेकिन अब जब हम इस वाक्य को लिख दें कि माँ खाना बना रही हैं, तो ये यहाँ अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ पे माँ खाना बना रही है, परंतु पहले वाक्य में ये अर्थ स्पष्ट नहीं था। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। रजत है दौड़ता तेज, इसमें भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो अगला देखेंगे, रजत तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या है कि आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात में बताया जा रहा है, तो ये सही वाक्य हो गया। फिर है चित्र बनाती नेहा है, ये भी वाक्य में जो सजावट है शब्दों की वो गलत है, तो हम इसकी सही सजावट देखेंगे, तो वो है नेहा चित्र बनाती है, तो इसमें क्या है कि हमें पता चल रहा है कि नेहा क्या कर रही है, तो चित्र बना रही है, तो ये हो गया कि सही ढंग से शब्द कैसे सजाएंगे। तो आप इन सारे उदाहरणों को एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे से वीडियो पॉज करके और दोबारा से पढ़ के याद कीजिएगा। धन्यवाद।